students, my name is Ashish and today we are going to study your class 10th chapter number 12, the part 1 of the chapter 12, because it's a too long chapter, too long drama, and the name of the drama is Pie and the Tart. And what is the meaning of pie and the tart? देखिए, जो इंग्लैंड है या फिर जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जितने भी विदेशी कंट्रीज हैं, वहाँ पे स्वीट डिश या डेजर्ट का सिर्फ मतलब केक्स ही होता है और मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पे केक्स खाना पसंद करते हैं. तो ये दोनों ही डिशेज जो है उनको आप क्वाइट सिमिलर टू केक मान सकते हैं. अब यहाँ पे आप इल पाई की बात करें ना, जहाँ पे जैसे आपको दिख रहे चैप्टर का नाम ही पाई एंड द टार्ट है, तो जो पाई है वो इल नाम की एक मछली होती है. इल फिश जो होती है वो 440 वोल्ट के झटके मारती है अगर उसको कोई है ना जिंदा पकड़ने की या जिंदा खाने की कोशिश करे. मैं आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, मुझे नहीं पता कि खाने में उसका स्वाद कैसा होता होगा, लेकिन जिन लोगों से मैंने पूछा है तो उनका यही कहना है कि भाई काफ़ी स्वादिष्ट लगती है वो, इसीलिए लोग उसे मारते हैं, खाते हैं, इवन लोग उसका डेजर्ट बना लेते हैं, उसको केक्स में डाल डाल के खा जाते हैं. तो उसी की जो बनाई गई है इल पाई बनाई गई है और वो पाई होती है. तो पाई जो होता है वो क्वाइट सिमिलर केक होता है और टार्ट भी लगभग वही होती है जो ना केक्स के होते हैं. ये कैनबेरी कैनबेरी करके एक ना बिल्कुल जैसे जिसको हम शहतूत या सेतूस बोलते होंगे, इंदौरी लैंग्वेज में शहतूस बोलते हैं लोग, तो वो जो कैनबेरी होती है उसकी क्या बनाई जाती है, एक स्वीट डिश बनाई जाती है, क्वाइट सिमिलर केक अगेन. तो वो दोनों ही चीज़ें पाई और टार्ट कहलाती हैं. तो चैप्टर का नाम है द पाई एंड द टार्ट. तो दोनों स्वीट डिशेस के नाम हैं, दोनों डिशेस हैं, खाने की चीज़ें होती हैं दोनों. नॉन वेजिटेरियन स्पेशली इल पाई खाते हैं और जो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है दोनों ही, क्योंकि अंडा तो डलता ही है उनके अंदर, तो जो पाई और टार्ट है उसके बारे में कुछ स्टोरीज बनाई गई हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है चैप्टर के अंदर द पाई इन द टार्ट. यहाँ पे इस ड्रामे के अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, पियरी एंड जीन नाम के हैं, जो वेगाबॉन्ड से आवारा हैं, है ना, थोड़े से लुच्चे हैं. गॉल्टियर अब पेस्ट्री कुक, पेस्ट्री बनाने वाला एक शख्स है. मरियन जो पेस्ट्री कुक बनाने वाला गॉल्टियर है उसकी पत्नी है. द सीन इज लेड आउटसाइड, जो सीन है वो कहाँ पर है, बाहर की तरफ है. गॉल्टियर की केक की दुकान जो पेरिस के अंदर है, पेरिस फ्रांस में है, उस पेरिस में गॉल्टियर की केक की दुकान है, उस केक की दुकान के बाहर का सीन चल रहा है. 15वीं शताब्दी, 400-500 साल पहले के आसपास का समय है. द एक्ट कुड बी प्लेड ऑन अ कर्टन स्टेज विद वन डोर. अगर किसी को ये प्ले करना हो तो ये प्ले जो है, एक दरवाजा चाहिएगा आपको, बैक सेंटर पे वो पुराना फर्नीचर लगाना है, एक बेंच लगाना है और आप प्ले कर सकते हैं. राइट, जीन एंड पियरी आर डिस्कवर्ड, और वो जो मंच लगा हुआ है वहाँ पे जीन और पियरी दिखाई देते हैं. जो पहला वाला शख्स जिसका नाम लिया गया जीन का, वो बेंच पर बैठा हुआ है और एटीट्यूड से बैठा हुआ है बिल्कुल. द लेटर पेसिंग अप एंड डाउन, और दूसरा जो है इधर उधर घूम रहा है, चल रहा है ना, ब्लोइंग ऑन हिज फिंगर्स, और ना अपनी उंगलियों पे ये इस तरह से कर रहा है. बोथ मस्ट इंडिकेट दैट दे आर कोल्ड एंड हंग्री, इससे पता चल रहा है कि वो ठंड और भूख से मर रहे हैं. जीन कहता है, मस्ट यू कीप डूइंग दैट, यही काम करोगे क्या, ये करना जारी रखोगे क्या तुम. पियरी, इट्स दिस ब्लास्टेड कोल्ड, इफ आई स्टॉप वॉकिंग आई शैल फ्रीज. अरे बोले, ये जो ब्लास्टेड कोल्ड है, मतलब इतनी जो ठंड है ना, अगर मैंने चलना रुक गया ना तो मैं जम के मर जाऊंगा. थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे दूँ दोनों भाई साहबों का. जीन और जो पहरी हैं, ये आवारा हैं, भिखारी हैं, कहाँ के, पेरिस के. आप देख सकते हो कि ये जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, ये आपको लगेगा कोई राइटर है कुछ ये हैं, नहीं भैया, ये ठंड के मारे ऐसे कपड़े इन्होंने इतने गहरे पहन रखे हैं. और ये जो जीन पेरी को ही समझ सकते हैं आप इनको, हंग्री बेगर्स इन द 15th सेंचुरी फ्रांस में, 15वीं शताब्दी में इस तरह के कपड़े वो बेगर्स या भिखारी पहनते थे. और अगर केक शॉप की बात करें तो ये इस तरह से पेस्ट्री बनाने वाला गॉल्टियर, उसकी पत्नी मरियन, ठीक है. तो यहाँ पर हम इन लोगों के इंट्रोडक्शन के हिसाब से जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं. जीन और पेरी जो हैं वो भिखारी हैं और साथ में ना बस इधर उधर मांग के खाते हैं. दोनों के बीच में बात चल रही है. जीन कहता है कि भाई तू इधर उधर घूमना बंद कर यार, है ना. बोले ना, तो पियरी क्या कहता है, अगर मैंने चलना बंद कर दिया ना तो मैं ठंड से जम के मर जाऊंगा. तो जीन क्या कहता है, अरे भूख मुझे भी लगी है, है ना, ठंड से मैं भी मर जाऊंगा, बट आई प्रीफर टू डाई सिटिंग डाउन, लेकिन मैं बैठे बैठे मरना पसंद करूंगा, तेरी तरह इधर से घूम घूम के मरना पसंद नहीं करूंगा. पियरी कहता है, यार भाई वी मेक अ प्रिटी पेयर, यू एंड आई, कितनी शानदार जोड़ी ना तेरी और मेरी. पेरिस शुड बी प्राउड ऑफ अस, पेरिस को हम पे घमंड होना चाहिए. देर आर 23 होल्स इन दिस ट्यूनिक,
अपने कपड़े दिखाते हुए कहता है कि देख तेरे भाई की जो ट्यूनिक है ना, यानी ट्यूनिक क्या है वो, जिस तरह के कपड़े मैंने अभी आपको दिखा है वो तो ट्यूनिक पहन रखी है उनने, क्योंकि ये ट्यूनिक के अंदर 23 छेद हैं 23, और मुझे पता है मैंने सुबह ही गिने। दैट्स ओनली रेकनिंग द वंस दैट लेट द विंड थ्रू, नो डाउट देर आर अदर्स। तेरे मतलब हवा आती जाती रहती इसलिए पहचान में आ ही जाते हैं कि 23 छेद हैं उसके अंदर से, है ना। और इसमें कोई शक नहीं कि और भी होंगे, है ना, बट लेफ्ट दैट पास तो मैंने वो गिने नहीं होंगे क्योंकि उनमें से हवा नहीं गुजर रही होगी, बाकी तो बहुत छेद है इसके अंदर। जीन कहता है द होल्स इन योर ट्यूनिक डोंट इंटरेस्ट मी, भाई तेरी ट्यूनिक में कितने छेद है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। व्हाट आई एम कंसर्न अबाउट इज द हॉलो इन माई स्टमक, मुझे जो मतलब है वो मेरे पेट में जो खालीपन है उससे मतलब है। जिंदा तो रहना है भाई, और बिना खाने के जिंदा तो नहीं रह पाएंगे। पैरी कहता है भाई सेम बात मैंने जज को बोली थी, देखिए पेरिस में भीख मांगना एक क्राइम है, अगर आप भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको अदालत में पेश किया जाता है। तो जब ये भाई साहब पकड़ा गए होंगे पियरी, अब ये जो जज के सामने जब गए तो जज गॉस्टन नाम के जो जज थे, जब इन्होंने पियरी ने यही बात कही कि सर जिंदा तो रहना है और जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, तो मैंने अगर खाने के लिए भीख मांग ली या चोरी कर ली तो इसमें क्या गुनाह किया, और मैंने यही बात कही थी उनको, आई वॉज स्पीच लास्ट मंथ फॉर बेगिंग, मुझे भीख मांगने के इल्जाम में वहाँ पे जमा करवा दिया गया था यानी कि ले जाया गया था, तो मैंने यही बात जज से कही थी। तो जज क्या बोले, जीन पूछता फिर जज क्या बोला पियरी, ही आस्क्ड मी व्हाई आई डिड इट, मैंने उसने मुझसे पूछा मैं क्यों भीख मांगता हूँ, और मैंने कहा वेल योर ऑनर आई मस्ट लीव, मैंने उनसे कहा कि जिंदा रहने के लिए। और बोले वो साले ने, जज ने क्या करा, उसने मेरे तरफ ऊपर से नीचे तक देखा और मुझे देखकर क्या बोला, वैसे तो तुझे जिंदा रहने की जरूरत नहीं है कुछ भी, मतलब वो मजाकिया बात है। वो जज ने ताना मार दिया कि तू जिंदा रह के कर क्या रहा साले, भीख मांग रहा है यहाँ पर ना, कोई काम तो है नहीं तेरे को, तो बोले तू जिंदा रह के करेगा क्या। तो जीन कहता है अरे बड़ा मजाकिया जज था। पियरी ही डिडंट नो व्हाट इट वाज टू बी हंग्री, पियरी कहता है वो जज को पता नहीं कि भूखा रहना क्या होता है। सी हियर माई प्रिटी दिस कांट गो ऑन, अरे भाई देख ऐसे तो नहीं चलेगी जिंदगी, आई एम गोइंग टू नॉक ऑन एवरी डोर इन दिस स्ट्रीट, मैं इस गली के हर दरवाजे पे जाके दरवाजा खटखटाने वाला हूँ, और क्योंकि जो चैरिटी की शुरुआत होती है वो घर से ही होती है, तो मैं बस यहीं से जहाँ खड़े हैं ना इसके सामने जो दरवाजा दिख रहा है केक शॉप के दरवाजा है सामने ही, वहीं से चालू करूंगा। और भाई तू दिखाई मत देना, दोनों अपन मांगेंगे अच्छा नहीं लगेगा, है ना, तू अगली गली में जा और तेरा लक वहाँ ट्राई कर जा, है ना। और जीन जाना चुल्लू चालू कर देता है, पेरी उसको वापस बुलाता है, ओ इधर आ इधर इधर, भाई जरा सुने तू क्या बोलेगा वहाँ जाके। जीन बोलता अच्छा, जीन एक्टिंग करके दिखाएगा, जीन बेंच को नॉक करता है, अपनी आवाज़ में थोड़ा सा यूँ लाता है कि आज देखो थोड़ा भिखारी दयावान दिखे, और जीन कहता है संत अगस्ता के नाम पर और वो सारे संत जो अब स्वर्ग में बैठे हैं जाकर इस गरीब भिखारी पे दया करो, 3 दिन से खाना नहीं खाया कुछ दे दो। पियरी बोलता है नॉट बैड, अच्छा था, लेकिन ये जो 3 दिन है ना इसको 7 दिन कर दे, ठीक है, और थोड़ा सा और है ना झुक और ऐसी गरीबी दिखा अपने चेहरे से कि लगना चाहिए कि तू भिखारी है, इट्स श्योर शाइन ऑफ स्टारवेशन, भूखमरा लगेगा तू, लगेगा कि तू भूख से मर रहा, थोड़ा आवाज और ना गिरा ले अपनी। पियरी बोलता है अच्छा, वापस से बोलता है, पियरी बोलता है कि केक शॉप डोर पे जाके उसको दिखाता करके, और बोलता है कि बोले गुड सर है सर फॉर द लव ऑफ गॉड ऑल हिज ब्लेस एंजल्स, उनके सारे भगवान के नाम पर उनके सारे एंजलों के नाम पर ये गरीब जो ट्रेवलर है उस पर दया दिखाओ, 1 सप्ताह से कोई खाना नहीं खाया है, ठीक है। मिस्टर गॉल्टियर नाम का जो शख्स है केक शॉप का ऑनर, वो बाहर आता है, इज अ मैन ऑफ अबाउट 50 साल के आसपास का है, वेल प्रिजर्व्ड एंड ऑब्वियसली कंटेंट विथ हिज लॉट, है ना, आगे काफ़ी स्वस्थ दिखाई देता है उसके हिसाब से 50 साल के हिसाब से। गॉल्टियर ए भिखारी चल निकल यहाँ से, है ना, तेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरी पत्नी बाहर गई है और मैं काम में बिजी हूँ, जा अगली गली में जा यहाँ से। गॉल्टियर उसके मुंह पे दरवाजा मार देता है। जीन आता है उसके पास में, वो दरवाजे की तरफ देखता है और दरवाजा खटखटाने से पहले हेजिटेट करता है ना। जीन फॉर द लव ऑफ सेंट अगस्ता सेंट निकोलस सेंट क्रिप्सन, वो सारे लोग जो स्वर्ग में जाके बैठ गए हैं, इस गरीब पे दया दिखाओ जिसने 7 दिन से कोई खाना नहीं खाया है। इस बार जो दरवाजा है वो मरियन खोलती है, केक ऑनर की बीवी, वो अपने हस्बैंड से थोड़ी सी यंग है ना, और वो जब आती है बाहर, मरियन ए भिखारी चल निकल यहाँ से, मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, मेरे पास देने के लिए तुझे कुछ नहीं है,
यू बेटर कॉल अगेन व्हेन ही कम्स बैक, जब वो वापस आ जाए ना तो आना। अब वो भी दरवाजा बंद कर देती है। एक बार पियरी जा चुका है, पति मिला, एक बार जीन जा चुका है, पत्नी मिली, उसी दरवाजे पे दोनों ने खटखटाया, दोनों को कोई लग हाथ नहीं लगा, दोनों ने उसको भगा दिया, दोनों मियाँ बीवी ने यही कहा कि मेरा पति भर गया, मेरी पत्नी भर गई। मरियन उसके मुंह पे दरवाजा मार देती है। जीन वहीं पर बेंच पर बैठ जाता है। उसी समय गॉल्टियर दुकान के बाहर आता है। ही मेक्स एज इफ गो टू आउट, ऐसा लग रहा है कि वो कहीं जा रहा है बाहर, लेकिन उसको कुछ चीज़ याद आती है, वापस दुकान के अंदर जाता है। फिर मरियन दरवाजे पे दिखाई देती है। गॉल्टियर, ओ मरियन, आई एम जस्ट ऑफ टू डाइन विद द मेयर, मरियन मेरा आज डिनर है मेयर के साथ। ही कीप्स नन टू गुड अ टेबल, है ना, और वो ऐसे ही खाली टेबल अच्छी नहीं लगेगी। आई एम थिंकिंग दैट आई वुड बेटर टेक द इल पाई विथ मी, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ वो जो इल पाई बना रखी है शानदार, मैंने कुक है भाई, है ना, बेकरी चलाता है, द बिग वन दैट आई मेड लास्ट मंडे, जो मैंने लास्ट मंडे इल पाई बनाई थी, मैं सोच रहा हूँ कि वो लेके जाऊँ साथ में मेयर साहब के लिए, है ना, जाओ मेरे लिए ला दो वो जरा, है ना, और मैं जो लेट नहीं होना थोड़ा जल्दी लाना। मरियन कहती है जी हस्बैंड, लेके आई मैं बस। शी गोज बैक इन टू द शॉप बट गॉल्टियर कॉल्स हर बैक, वो दुकान के अंदर जाती है लेकिन गॉल्टियर उसे वापस बुला लेता है। गॉल्टियर, वेट, आई कांट वेरी वेल बी सीन कैरिंग एन इल पाई थ्रू द स्ट्रीट ऑफ पेरिस, अरे बोले यार मैं नॉट अ क्वाइट द थिंग फॉर अ मैन ऑफ माई पोजिशन, मैं बहुत सम्मानित आदमी हूँ, ऐसे हाथ में पाई लेके घूमूंगा क्या गली गली में पेरिस की? डू यू थिंक यू कुड ब्रिंग इट अलॉन्ग आफ्टर मी, तुम ला सकती हो क्या मेरे लिए मेरे जाने के बाद में? मरियन कहती क्वाइट इम्पॉसिबल, अरे मैं कहाँ से लाऊंगी, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है ये, आई हैव टू मच टू डू रन एरेंट्स, मुझे बहुत सारे काम निपटाना है, वाई नॉट सेंड समवन बैक फॉर इट, क्यों ना किसी को भेज दो तुम इसे लेने के लिए। गॉल्टियर कहता हाँ ये भी अच्छा आइडिया, लेकिन किसको भेजूँ? मरियन, जो भी रास्ते में मिले तुम्हारी पहचान का उसको भेज देना। गॉल्टियर, चलो ठीक है, बट हाउ विल यू नो दैट ही इज द राइट वन, तुमको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसे मैंने भेजा है? एनी वन माइट जस्ट कम एंड से दैट हैड बीन सेड, कोई भी यहाँ आ सकता है और कह सकता है कि उसे मेरे द्वारा भेजा गया है। मरियन, अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गॉल्टियर, मैंने सोच लिया, मैं मैसेंजर से कहूँगा कि जब वो तुम्हारे पास आए तो वो तुम्हारा हाथ चूमे, है ना, इससे साइन मिल जाएगा कि सही आदमी तुम्हारे पास आया है। मरियन हंसते हुए कहती है अच्छा, बोले मेरा हाथ चूमना है, तो वो मजाक के लहजे में कहती है तो भाई कोई थोड़ा अच्छा आदमी भेजना मेरे लिए, है ना, मैडम गॉल्टियर का हाथ हर किसी के लिए चूमने के लिए नहीं है, तो जब भी भेजो ना थोड़ा अच्छा दिखने वाला भेजना, वो हंसते हुए कहती है। मरियन शॉप में वापस चली जाती है, गॉल्टियर वहाँ से चला जाता है, और जो जीन है जिसने ये सारी बातें वहाँ बैठे बैठे सुन ली थी वो कुछ सोचने में डूब जाता है। उसी वक्त पियरी आता है, पियरी उससे पूछता है कोई भाई हाथ लगा क्या? जीन कहता है हाँ भी और ना भी। पियरी, इसका क्या मतलब हुआ हाँ भी और ना भी? जीन कहता है देख, क्या तू वो सब कुछ करने को तैयार है जो मैं तुझसे कहूँ और मुझसे कोई प्रश्न ना पूछे? पियरी कहता है इस पापी पेट को शांत करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जीन, तो फिर ठीक है, सुन मैं अगली गली में जा रहा हूँ, है ना, जब मैं यहाँ से चला जाऊँ उस दरवाजे पे जाना और खटखटाना। पियरी कहता है रुक 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 रुक, है ना, मैं सुबह ही वहाँ जा चुका हूँ और मुझे वही मिला जिसकी मुझे उम्मीद थी, है ना। वो उसकी नकल करके बताता है मिस्टर गॉल्टियर की, ए भिखारी निकल यहाँ से, है ना, चल निकल यहाँ से, मैं बहुत बिजी हूँ, अगली गली में जा। वाह, बोले वही यही बोला उसने भी मुझे, है ना। जीन कहता है अरे उसकी बात का ध्यान मत दे, सुन आई से डायरेक्टली आई एम गॉन, जब मैं यहाँ से चले जाऊँ, गो ऑफ द डोर एंड नॉक इट, जाना दरवाजे पर उसको खटखटाना, एक लेडी बाहर आएगी। पियरी, तुझे कैसे पता? जीन, देख बीच में टोक मत, लेडी बाहर आएगी, जब वो बाहर आए, है ना, तो उसका हाथ चूम लेना। पियरी, अच्छा लेडी का हाथ चूम लो, भाई तेरे को कुछ गलती हो गई है, है ना, मैं प्यार का नहीं खाने का भूखा हूँ, प्यार का भूखा नहीं हूँ, हाथ चुमवा रहा है मेरे से किसी से। जीन कहता है अरे सुन तो ले, रुक तो, दैट्स नॉट ऑल, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई। व्हेन यू हैव किस हर हैंड यू विल से मैडम आई एम सेंड बाय मिस्टर गॉल्टियर टू फेच द पाई, जाना और कहना कि मैडम मुझे मिस्टर गॉल्टियर ने भेजा है पाई लेने के लिए। शी विल देन गिव यू अ लार्ज एल पाई, फिर तुझे एक बड़ी पाई मिलेगी, बड़ी। प्यारी कहता है और उसके बाद स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे तेरे भाई, अमृत की वर्षा होगी मेरे ऊपर, नेक्टेरियन विल बी सीन टू रेन अपॉन अस फ्रॉम क्लाउड, बादलों से अमृत बरसेगा, शैंपेन की बॉटलें खुलेंगी, है ना, और गर्गलिंग करती हुई गटर से बहती हुई सुनाई देगी। वेयर डिड यू लर्न दिस कंजरिंग ट्रिक, भाई ये कहाँ से ये आइडिया लेकर आया है तू, है ना, कहाँ से लाया ये? जीन,
वेरी वेल, बिलीव इट और नॉट एज यू लाइक. उसके भाई, उसको पियरी को विश्वास ही नहीं हो रहा. जीन कहता है मत विश्वास कर, तेरी इच्छा. पॉइंट यह है कि तू हंग्री है या नहीं है. पियरी कहता है हंग्री, आई हैव हॉलो इन देयर ऑल द बर्ड्स द एयर कुड नेस्ट इन. हवा में जितने भी पक्षी उड़ रहे हैं ना, इतनी खाली जगह है मेरे पेट में कि वो सारों का घोंसला बन सकता है यहाँ पर. जीन कहता है तो फिर कर जो मैं कह रहा हूँ, है ना. और अगर ये चीज़ नहीं बैठी ना जाकर, तो जिंदगी में मुझ पर विश्वास मत करना कभी भी, बस ना. लेकिन ये काम होगा प्यारी. क्रिमिनल जीन, आई बिलीव यू आर अ सीरियस. देख भाई जीन, पक्का तू सीरियस है ना. जीन, ऑफकोर्स आई एम सीरियस. अरे हाँ मैं सीरियस हूँ प्यारी. टेल मी अगेन व्हाट टू डू, आई हैव टू डू. चल वापस बता क्या करना है मेरे को. जीन, अरे बहुत सिंपल है, जा दरवाजा खटखटा, है ना. प्लीज मैडम, मिस्टर गॉल्डियर है, सेंड मी फॉर द इल पाई. बस यही बोलना है तेरे को. वो तुझे तब तक इल पाई नहीं देगी जब तक तू उसका हाथ नहीं चूमेगा. बस ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना प्यारी. लेकिन अगर उसका पति दरवाजे पर आया तो. जीन कहता है नहीं आएगा, वो बाहर गया हुआ है, मुझे ये पता चल चुका है. नेवर माइंड हाउ और कैसे पता चला पूछना मत, है ना. लेकिन मुझे बस पता है, जब मैं कॉर्नर में जा रहा हूँ 5 मिनट में वापस आऊँगा, और अकेले खाना चालू मत करना, समझ में आई. जीन वहाँ से चला जाता है. पेरी दरवाजे पे खटखटाता है. मेरी बाहर आती, मरियन बाहर आती है. पेरी, गुड मॉर्निंग लेडी, आई हैव कम फ्रॉम मिस्टर पाई. मुझे मिस्टर पाई ने भेजा है और मिस्टर गॉल्टियर को लेने के लिए, और गॉल्टियर लेने के लिए भेजा है. अब उसको आता है, अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे मिस्टर गॉल्टियर ने भेजा है पाई लेने के लिए, इल पाई लेने के लिए. मरियन, और मुझे कैसे पता कि तुम उसके मैसेंजर हो. प्यारी, हाँ लेडी, अलाउ कीजिए मैं आपका हाथ चूमूंगा. वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गंदा सा भिखारी सा दिख रहा है. मरियन हाथ छील लेती, बोलती यार ठीक है चल, है ना, चलेगा, इतना ही चलेगा, चल यहीं खड़े रहे, मैं आ रही हूँ. वो जाती है, इल पाई लेकर आती है. ये लो, आराम से लेके जाना, बहुत अच्छी पाई है ये. प्यारी कहता, अरे लेडी बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मैं इसको इतनी आराम से लेके जाऊँगा. इल पाई लेने के मामले में पेरिस में, है ना, मैं किसी दूसरे सेकंड नंबर पे नहीं आता हूँ. मेरे से अच्छा कोई पाई लेके नहीं जाता है. ये इट शाल ट्रेवल दस क्लोज टू माई बॉसम, बिल्कुल मेरी गोद में बैठ के जाएगी ये तो, है ना. जैसे कोई बच्चे की माँ जो है ना, उसको बच्चे को लेके जाती है. जैसे कोई बकरी चराने वाला अपनी बकरियों का ध्यान रखता है. जैसे कोई संत जो है ना, अपनी बच्चियों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से एंजल बनकर मैं पाई लेके जाऊँगा. मरियन कहता है, हाँ चलो ठीक है, और टाइम वेस्ट मत करो, है ना, यहाँ खड़े खड़े. वो दरवाज़ा बंद करती है. जैसे ही वो, है ना, चली जाती है, पेरी पाई को थोड़ा सा तो झांकता रहता, देखता रहता है कि बाबा स्वर्ग के दरवाजे खुल गए, है ना. उसको आराम से बेंच पे रख देता है. वो उसके पास में बैठ जाता है और बड़े प्यार से उसे देखता रहता है ना. इधर उधर उस पर उंगलियाँ फिराना शुरू कर देता है. पेरी, सपना है सपना, है ना, इस सपने से कोई जगा दे मेरे को. वन ऑफ दोज ड्रीम्स दैट आर टू गुड टू लास्ट. ये वो सपना है जो मैं चाहता हूँ चलता रहे चलता रहे. आई नो बिकॉज आई हैव हैड देम वंस और ट्वाइस बिफोर. मैंने जिंदगी में एक या दो बारी खाई है ये चीज़ पहले, है ना. वो उसको बिल्कुल आराम से उठाता है. क्या सपना है भाई, क्या सपना है. लास्ट अ लिटिल लॉन्गर, प्लीज़ थोड़ी देर और चलता रहे. जस्ट नाउ आई हैवंट वेरी लास्ट डिजायर टू वेक अप. मैं तो इस सपने से उठने की इच्छा ही नहीं रखता हूँ. और उसी वक्त एंटर करता है जीन. तो ये स्टोरी बहुत ही शानदार चल रही है. और अगले पार्ट टू में हम जानेंगे कि आगे क्या होता है. देन वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.